अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर थ्री इक्वेशन से रिलेटेड है। हम पास्ट पेपर्स हम डिस्कस कर रहे हैं और अपकमिंग जो टेस्ट है मेहरान यूनिवर्सिटी की 2023 की, उससे रिलेटेड जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट सवालात हल करने जा रहे हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 1 सेट्स भी हल कर लिया है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमने हल कर दिया है। अब हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ हैं, इक्वेशंस को आज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, 1 में लिखा गया है अ थर्ड डिग्री पॉलीनोमियल इक्वेशन इज कॉल्ड, इसे हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, द रिमाइंडर ऑफ दिस डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट, रिमाइंडर क्या होगा। तो आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना, उसको आप रखेंगे 2x + 1, इसको आप 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ से 2x = -1 मिलेगा और x की वैल्यू -1/2 मिलेगी। अब आप करेंगे क्या कि ये जो वैल्यू है आप इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, ये है 9 × x की जगह पर रखेंगे -1/2 होल पावर 5, -5 × x की वैल्यू है -1/2 और इस पर पावर कितना है 2 है। तो इसको आप सॉल्व करें, 9 × -1/32 -5 × 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, तो ये हो जाएगा -9/32 -5/4। अगर आप एलसीएम लेंगे तो 32 मिलेगी, इधर होगा -9, इधर 8 टाइम्स तो 8 × 5 = 40, जवाब आ जाएगा -49/32। तो ये आपका जवाब है ऑप्शन ए, ठीक है जी। नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर कौन कौन से होते हैं, 3 क्यूब रूट्स 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। 1 complex cube roots of unity is omega, अगर कॉम्प्लेक्स एक ओमेगा है तो दूसरा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है 1/ओमेगा के। अगर हम नंबर 5 देखें तो इफ़ ओमेगा इज़ अ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा स्क्वायर प्लस, और ये 1/ओमेगा स्क्वायर है जो ओमेगा के बराबर होता है, +1 = 0, तो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इफ़ ओमेगा इज़ अ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी देन ये ओमेगा पावर 92 है, तो 92 को आप ऐड करें तो ये हो जाएगा 11, और 11 को ऐड करें तो हो जाएगा 2, तो ओमेगा स्क्वायर इसका रिजल्ट हो जाएगा। इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन 1 + ओमेगा, हम जानते हैं कि ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इधर आए तो 1 + ओमेगा स्क्वायर - ओमेगा के बराबर है, और ये माइनस ओमेगा, तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, और पानी का प्यार है -2 ओमेगा, ये हो जाएगा 4 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, तो 4 रिजल्ट है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं, व्हाट इज़ द कंजुगेट ऑफ ओमेगा, ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर है, हम जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यू है -1 + iota radical 3/2, तो ओमेगा का कंजुगेट अगर हम करेंगे तो हम इमेजनरी की साइन चेंज कर देंगे, -1 - iota radical 3/2, और हम जानते हैं कि ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की है, तो ओमेगा का कंजुगेट क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं, तो a + b 4 के बराबर है और a - b 2 के बराबर है, और a² + b² किसके बराबर होगा। तो ऐसे सवालात पास्ट पेपर्स में बहुत रिपीट हो चुके हैं मेहरान के में, तो इसलिए ये वैसे फर्स्ट ईयर के सवाल तो नहीं है, ये मैट्रिक के सवाल हैं, या नाइन्थ में अभी अगर पिछले दौर में अगर आप देखें तो मैट्रिक के सवाल हैं, लेकिन अभी नाइन्थ में मैथमेटिक्स आ चुकी है, तो ये नाइन्थ में सवाल पूछे जाते हैं। और ये फार्मूला है 2 × a² + b² बराबर है किसके, a + b² + a - b² होल स्क्वायर, तो a + b² बराबर है, a + b बराबर है किसके, 4 होल स्क्वायर + a - b किसके बराबर है 2, तो ये हो जाएगा 2 × a² + b² 2 × a² + b² बराबर हो जाएगा 16 + 4 = 20 हो जाएगा, और ये कैंसिल होकर इधर बचेगा 10, तो a² + b² 10 के बराबर हो जाएगा, तो इसका जवाब जो है वो आप लिख लेंगे बी। नंबर 10 देखें, ये भी वैसा ही सवाल है, हम जानते हैं कि a² - b² किसके बराबर होता है, a + b और a - b दो फैक्टर्स बनते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा 9। ये भी फार्मूला है a - b a² + ab + b² जो के बराबर होता है a³ - b³ के, सही है, तो जवाब हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 12 देखें, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जग मशहूर इक्वेशन है, ये तो आप याद कर लें कि तीनों अगर प्लस हैं और तीनों ए बी सी क्वाड्रेटिक फार्मूला में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वन बराबर है, तो जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नंबर 13 देखें, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 12, अगर इसमें देखें बी नेगेटिव है, इसका मतलब है दोनों रूट्स इसके हमें क्या मिलने वाले हैं, पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव कौन सा ऑप्शन है, बी है, तो बी इसका राइट आंसर है। अगर ऐसा दोनों किसी दो ऑप्शन में होता, दोनों पॉजिटिव, तो फिर आपको ये सॉल्व करना पड़ता, अदरवाइज इधर सॉल्व करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ रही, क्योंकि दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे और वो सिर्फ ऑप्शन बी है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, नंबर 14, द इक्वेशन विद रूट्स 4 प्लस आयोटा और 4 माइनस आयोटा क्या होगा, तो देखें सम, देखें पहले सम दोनों रूट्स का क्या होगा, इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो ये मिलेगा 8, और अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो 4 फोर ज़ा 16 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 के बराबर, मतलब ये हो जाएगा 17। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 8 है, 8 के साथ एक्स प्लस प्रोडक्ट कितनी है 17, तो ये जो इक्वेशन है इसके ये दोनों रूट्स हैं 4 प्लस आयोटा और 4 माइनस आयोटा, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। नंबर 15 देखें, द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 है क्या होगा, तो इसमें भी सिर्फ b नेगेटिव है, तो इसका मतलब है दोनों पॉजिटिव रूट्स होंगे। नंबर 16 देखें, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं, तो ये बुक में तो नहीं है, लेकिन ये सवाल भी पास्ट पेपर्स में मेरा में रिपीट हो चुका है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 1 के बराबर होता है ना, तो रूट्स हमेशा आपको कंसेक्यूटिव मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसके जो दोनों रूट्स हैं वो आपको क्या मिलेंगे, कंसेक्यूटिव मिलेंगे, क्योंकि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट अगर आप देखें तो 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, तो 25 माइनस 24 आपको क्या मिल रहा है 1, सो डिस्क्रिमिनेंट इसका 1 है, इसके रूट्स आपको क्या मिलेंगे, कंसेक्यूटिव, और बच्चा बच्चा जानता है कि इसके जो रूट्स हैं वो 2 एंड 3 होते हैं, और 2 और 3 आपस में क्या हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। नंबर 17, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जाहिर है डी ऑप्शन है, डिस्क्रिमिनेंट तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, द रूट्स ऑफ दिस, हाँ ये सवाल जो है 4 से 5 मरतबा मेरान के टेस्ट में रिपीट हो चुका है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। 4x स्क्वायर इज इक्वल टू a को मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा 4ax माइनस a स्क्वायर, सबको एक जानब ले आए तो 4x स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस का 4ax, और ये इधर आएगा तो प्लस का a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू माइनस 4a, और c की वैल्यू है a स्क्वायर, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि रूट्स इसके क्या हैं, है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है माइनस 4a, इसका होल स्क्वायर करेंगे माइनस 4a और a की सॉरी माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 4 है, और c की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर, तो रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है 0, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं, इक्वल एंड रियल, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा a, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नंबर 19, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 2 एंड 3 होंगे रूट्स, और सम अगर हम फाइंड करते हैं तो सम का फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, तो a की वैल्यू है इधर कितनी 1, b की वैल्यू कितनी है 5, और c की वैल्यू कितनी है 6, तो s इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है 5 अपॉन a की वैल्यू है 1, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा माइनस 5। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, इसका ऑप्शन तो क्या है b है, लेकिन अगर प्रोडक्ट पूछता तो वो रिजल्ट बराबर होता है c अपॉन a के, तो c की वैल्यू है 6 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 6, तो अगर प्रोडक्ट पूछता तो वो 6 होता, लेकिन सम है तो वो क्या है माइनस 5 है, तो ऑप्शन। नंबर 20 देखें, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अगेन ये प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट का फार्मूला मैंने ऊपर लिखा c अपॉन a, तो a की वैल्यू देखें इधर कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है माइनस 7, और c की वैल्यू कितनी है 12, तो प्रोडक्ट कितनी होगी c अपॉन a, c 12, और a कितनी 4, तो टेबल लग जाएगी, जवाब क्या होगा 3, सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर फॉर द प्रोडक्ट। अगर हम इधर की बात करें तो द सम एंड द प्रोडक्ट दोनों पूछ रहा है, तो a की वैल्यू अगर देखें तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 2, और c की वैल्यू है 1, तो सम इसका किसके बराबर होगा माइनस b अपॉन a, तो माइनस b की वैल्यू है 2 अपॉन 3,
ए की वैल्यू है 3, तो -2/3 आई थिंक ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। वैसे भी प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू कितनी है 1/a की वैल्यू है 3, तो 1/3, तो बिल्कुल -2/3 सम मिल रहा है और 1/3 प्रोडक्ट, तो ऑप्शन ए सही है। नंबर 22 देखें, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब इसका अगर हम सम फाइंड करें, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1, तो सम किसके बराबर है? सम होगा -b/a मतलब -2, और प्रोडक्ट क्या होगी? c/a वो क्या होगी? 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम है, सम किसके बराबर है? -2, तो -2 का होल स्क्वायर -2, अल्फ़ा बीटा मतलब प्रोडक्ट किसके बराबर है? 1 के, तो -2 का स्क्वायर 4, -2 रिजल्ट क्या होगा? 2। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। नंबर 23 देखें, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, आप जानते हैं कि स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड्स बराबर होते हैं, पेरीमीटर किसके बराबर है? 16 के, देन लेंथ ऑफ ईच साइड, तो पेरीमीटर को आप लेंथ से डिवाइड करेंगे, फोर से डिवाइड करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? लेंथ मिलेगी ऑफ ईच साइड, तो ऑप्शन क्या होगा? ए। इफ़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर जो है उसकी एरिया कितनी है? 100 है, टोटल एरिया कितनी है? 100 है। 100 तभी होगी जब लेंथ और विड्थ को हम आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और स्क्वायर में लेंथ और विड्थ आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, तभी जाके रिजल्ट आपको एरिया क्या देगा? 100। एरिया क्या मिलेगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी साइड ही पूछ रहा है, तो साइड क्या होगी? 10 होगी, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर। नंबर 25 देखें, इफ़ द एरिया ऑफ द सर्किल, सर्किल की एरिया आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होती है, और इधर इन्होंने कितनी दी है? 25 पाई, तो पाई और पाई तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी आर स्क्वायर किसके बराबर? 25, मतलब रेडियस किसके बराबर होगा? 5 के। अगर रेडियस पूछ रहा है तो 5, लेकिन ये क्या पूछ रहा है? डायामीटर, तो डायामीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो डी इज इक्वल टू 2 × 5, दैट वुड बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नंबर 26 देखें, इफ़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, अगर एक स्क्वायर है तो इसकी अगर लेंथ x है एक ईच साइड की, तो ये होता है x रेडिकल 2, तो अगर आपको डायगोनल ये मिलता है, अगर डायगोनल गिवन है तो उसको रेडिकल 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये डायगोनल है 10 रेडिकल 2, इसको अगर आप रेडिकल 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? साइड की लेंथ मिलेगी, सो 10 सेंटीमीटर इसका जवाब होगा, 10 सेंटीमीटर लेंथ है, लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, लेकिन ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है एरिया, एरिया अगर पूछ रहा है तो ये अगर 10 है तो स्क्वायर है, तो ये भी क्या होगा? 10, ये भी होगा 10, ये भी होगा 10, तो लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 10 क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नंबर 27 देखें, इफ़ द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इन इज 18 एंड हुज प्रोडक्ट इज 208, वट आर द नंबर्स, इन सवालों को हल करने के लिए याद रखिएगा कि आप ऑप्शंस में से जवाब निकालते हैं। ऑप्शन देखें क्या है, 26 और 8, आप सब में देखें कि अगर आप डिफरेंस करें दो नंबर्स का तो क्या 18 मिल रहा है, तो देखें 26 − 18 मिल रहा है, 25 − 7 18 मिल रहा है, 27 − 9 18 मिल रहा है, 24 − 6 18 मिल रहा है, तो मतलब ये वाली कंडीशन तो चारों ऑप्शन सही दे रहे हैं, लेकिन whose product मतलब उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 208 रिजल्ट दे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 26 × 8 6 8 = 48, 4 2 8 = 16 16 and 4 20, तो 208, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अगर आप तीनों को देखेंगे बी सी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 208 रिजल्ट नहीं देगा। नंबर 28, इफ़ द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स इज 21 एंड द एंड सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इज 261 देन द नंबर्स आर, इसमें भी हम क्या करेंगे कि ये बोल रहे हैं दो नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनका सम कितना है? 21 है। अगर हम इन दोनों को देखें, सम 21 है, इनका भी सम 21, इनका भी सम 21, इसका भी सम 21, तो 21 के लिए तो चार ऑप्शन सही हैं, लेकिन इनके सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब इनके जो स्क्वायर हैं उनको सम करें, तो 14 का स्क्वायर होगा 196 प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49, अगर हम इनको ऐड करें 6 9 15, तो 5 आ रहा है, मतलब ये जवाब गलत है, ए गलत है, 61 आना चाहिए, तो अगर हम इसको देखें 15 का स्क्वायर होता है 225 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ये देखें 5 6
5 प्लस 6 कितना होगा 11, 1 ऊपर, 1, 2, 3, 6 होगा 261, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है कि इनके स्क्वायर्स का सम करते हैं तो 261 आ जाता है। नंबर 29 देखें, इफ़ द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 25, दो पॉजिटिव नंबर्स का जो सम है वो कितना है 25, तो इनका भी सम 25 है, इनका भी सम 25 है, इनका भी सम 25 और इनका भी सम 25, फॉर 25 ऑल द फोर ऑप्शंस आर करेक्ट। लेकिन लेकिन हम अगर बात करेंगे कि दूसरी कंडीशन क्या है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब इनके स्क्वायर्स का, तो ऑप्शन में देखें ये जो ऑप्शन है ए, इसको देखें, इसका स्क्वायर करें 20 का 400 होगा और 5 का क्या होगा 25 होगा, डिफरेंस करें तो कितना मिल रहा है 375 मिल रहा है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप बाकियों को देखेंगे तो वो जवाब सही नहीं होंगे। तो ये लेक्चर नंबर 3 है, 3 चैप्टर्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह कल हम 3 चैप्टर्स और करेंगे, 3 चैप्टर्स में अब आएंगे मैट्रिसेस, ग्रुप्स और उसके साथ साथ जो है वो हम सीक्वेंस सीरीज को भी कवर करेंगे इंशाल्लाह कल। तो जब तक 15 तारीख होगी, 15 डेट होगी, तब तक इंशाल्लाह हम फर्स्ट ईयर इंटर को सबको हम घुमा देंगे, ख़त्म कर देंगे। और वो अगर आप ये वीडियोज़ हमारे चेक करते हैं तो इंशाल्लाह मैथमेटिक्स का पोर्शन तो आपका 100% हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, मेरे चैनल इख्तियार महर को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो बेनिफिशियल हो सकें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।